हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉइस पार्ट टू को। इसके पहले हमने पार्ट वन में वॉइस की डेफिनेशन और सिंपल प्रेजेंट संबंधी वॉइस को देखा था, और यहाँ आज हम लोग सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। और सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसके हम पॉजिटिव पैटर्न को देखेंगे कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो होता है वो एक्टिव पैटर्न होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब अगर हमें इसे पैसिव में बदलना है तो हम क्या करेंगे? तो पैसिव में बदलने के लिए हम पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पर ला देंगे, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में ला देंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। इसके बाद से इज एम आर का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर होगा उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद से एक खास चीज़ कि हम बींग का प्रयोग जरूर करेंगे, बींग का प्रयोग जरूर करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस बींग का यूज किया जाता है पैसिव में। और फिर उसके बाद वी थ्री, जैसा कि हम प्राय करते हैं, फिर बाई और फिर एजेंट। एजेंट क्या होगा? तो ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट जो होगा वो कहा क्या होगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट यहाँ पर एजेंट के रूप में यूज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो एक देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें देखेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट में ये एक्टिव है, एक्टिव का एग्जाम्पल है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है और ही जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब इसका बनाएंगे पैसिव, तो पैसिव बनाते वक्त क्या करेंगे, यहाँ पैसिव है, पैसिव बनाते समय क्या करेंगे कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। और उसके बाद से क्रिकेट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज इसके अनुसार यूज हो गया यहाँ पर। और उसके बाद से बींग यूज कर दिया हमने, देखिए यहाँ बींग है एज एम आर के बाद, तो बींग यहाँ यूज कर दिया। उसके बाद से वी थ्री, यहाँ देखिए वी थ्री है, तो वी थ्री क्या है, प्ले क्या प्लेड हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप देखिए बाई और उसके बाद एजेंट, यानी कि ये जो है, ये जो आपका क्या है, ये जो ही है यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, यानी एजेंट को के रूप में इसको रख देते हैं। एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव का एजेंट बना करके या डूअर बना करके रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा हिम, क्योंकि बाई जो है ये क्या प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले कोई भी शब्द, जैसे कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एक दूसरे एग्जाम्पल पर, जैसे यू आर हेल्पिंग मी, आप मेरी मदद कर रहे हैं, और ये जो है वो क्या है, एक्टिव सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम पैसिव में जब बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। यहाँ ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, आई हो जाएगा इसके अनुसार, आई के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, तो आई के अनुसार हो जाएगा आई एम। ठीक है, आई एम के बाद क्या हो जाएगा, बींग, बींग के बाद वी थ्री, तो हेल्पिंग का हेल्प हो जाएगा बाई। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है यू को हमने क्या किया, यहाँ पर लेकर चले आए एजेंट के रूप में। ठीक है, तो ये जो है एजेंट के रूप में हमने यहाँ पर लाया, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ए होता है, यहाँ पर एजेंट के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो ये बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये आपने क्या देखा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपने पैसिव, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव था पॉजिटिव सेंटेंस में। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, इसके आगे आपका, इसके आगे क्या है, तो इसके आगे नेगेटिव सेंटेंस, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे उसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि, तो देखिए यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो एक्टिव में आपका इसका पैटर्न क्या होता है, तो एक्टिव में पैटर्न हो जाता है आपका क्या होता है, तो एक्टिव में पैटर्न इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका एक्टिव में पैटर्न। इसको हम पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में जब हम बदलते हैं तो पैसिव में क्या हो जाता है, पैसिव में इसका पैटर्न हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बींग प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस एजेंट, जैसा कि आपने पहले पॉजिटिव सेंटेंस में देखा था उसी प्रकार का यहाँ भी पैटर्न लगेगा। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर नॉट लगा देंगे केवल, नॉट के बाद बींग का यूज़ करेंगे, नॉट के बाद हमेशा बींग का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो एग्जाम्पल हमारा एक्टिव सेंटेंस का यहाँ पर है आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर में आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर क्या है, एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में
इसको पैसे बदलने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा काम है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये लेटर हो गया यहाँ पर इज, क्योंकि ये लेटर जो है सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज नॉट बींग रिटन बाई मी, यहाँ नॉट हो गया, नॉट के बाद बींग लग जाएगा, बींग के बाद विथ राइट के रिटर्न होता है, मतलब राइटिंग के विथ रिटर्न होता है, और बाई हो गया यहाँ पर, उसके बाद से इसको आई को यहाँ पर आई जो है इसको ला देंगे बाई के बाद, यानी कि एजेंट के रूप में, तो यहाँ मी हो जाएगा। तो ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस था, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई आपको दिक्कतें नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक ही पैटर्न होता है, इज एम आर पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी वन प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद जब इसका पैसिव बनाते हैं तो इसका पैटर्न होता है इज एम आर, सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद से, फिर बींग, फिर वी थ्री, और फिर बाई, तब एजेंट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आगे नीचे एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल में एक्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है इज ही डूइंग दिस वर्क, यानी कि क्या वह यह काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे जब पैसिव में, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा कि इज का इज रहेगा, क्योंकि दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क के अनुसार वर्ब सिंगुलर होगा तो इज हो गया यहाँ पर, उसके बाद से आ जाएगा दिस वर्क, फिर क्या होगा बींग, फिर देखिए वी थ्री डन हो जाएगा, फिर बाई, फिर हिम हो जाएगा, यानी कि ही का जो ऑब्जेक्टिव है सेम होता है। फिर यहाँ एक नीचे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड संबंधी है, तो क्या करना है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उसे क्या करेंगे, बनाएंगे इसी के तरीके से, जैसे ये जस्ट नो टाइप क्वेश्चन है, यानी कि हेल्पिंग वर्ड से जो शुरू होता है इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन करेंगे क्या हम क्या करेंगे कि केवल डब्ल्यू एच वर्ड्स को क्या करेंगे लिख देंगे, ये जैसे बना रहे हैं वैसे बना करके डब्ल्यू एच वर्ड्स को वहाँ लिख देंगे। जैसे ये है वाई आर यू हेल्पिंग हिम, है ना, वाई आर यू हेल्पिंग हिम, तो इसको अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे, पैसिव में लिखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ ये पैसिव जो है पैसिव में लिखना होगा तो क्या करेंगे कि जैसे बनाया हमने हिम का, क्या होगा ही होगा, अब ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज पर लगा दिया हमने, तो इज ही बींग, और यहाँ पर हेल्पिंग का हेल्प हो जाएगा बाई यू, और उसके बाद हमने क्या किया इस वाई को यहाँ पर लिख दिया, तो ये आपका जो होगा ये बन गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि आराम से हम क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड संबंधी जो है पैसिव बना सकते हैं। तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं हम अगले टेंस की तरफ, जो कि है आपका आपका अगला टेंस क्या है, अगला टेंस आपका है आपका अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपका जो है वो है, यहाँ देख सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस का इसका क्या होता है पैटर्न, एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस का एक्टिव पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है। तो इसे अगर हम बनाएंगे पैसिव, यानी कि पैसिव में, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हैज या हैव हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, प्लस वी थ्री हो जाएगा, प्लस बाई, प्लस एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है, तो हैव का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक्टिव में कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, तो इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको यहाँ लिखेंगे माई पेन, ठीक है। माई पेन के बाद माई पेन जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, पेन जो है माई पेन जो है वो क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके अनुसार क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, और उसके बाद बीन लगाएंगे, तब भीतरी क्या होगा, स्टूडेंट का, स्टूडेंट ही होता है इसमें। ये आपको एक इसमें सबसे आसान चीज़ ये है कि आप भीतरी आपको ढूंढना नहीं है, भीतरी ऑलरेडी जो होता है वो एक्टिव वाक्य में होता है, तो आपको उसी वहीं वही भीतरी को लिख देना है, तो स्टूडेंट का स्टूडेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एजेंट का यूज हमने नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्या है कि समवन जो है, ये समवन जो है वो क्या है, यहाँ पर ये समवन जो है, ये समवन आपका ऐसा यानी कि सब्जेक्ट है जो क्या है इंडिफिनिट है, तो समवन जो है ये इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, और मैंने बताया था कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट कोई हो, जैसे समवन हो, एवरीवन हो, नो वन हो, नोबडी हो, पीपल हो, तो इस प्रकार के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं पैसिव में क्या करते हैं कि हटा देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं या हाइड कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ पर इसलिए इसका यूज हमने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है सी हैज डन इट, ये एक्टिव है, सी हैज डन इट, इसको हम बदलेंगे पैसे।
तो देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पर सी हैज डन इट है, तो इसे बदलना है हमको पैसिव में, तो क्या करेंगे, इट जो है ऑब्जेक्ट इसको बना देंगे सब्जेक्ट, और इट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज के बाद बीन आएगा पैसिव में, और फिर भी थ्री डन जो है यहाँ पर लिख देंगे, फिर बाई, और फिर क्या होगा यहाँ पर सी का हर हो जाएगा। तो ये आप बना सकते हैं आराम से इसका पैसिव। तो ये पूरा ओवरऑल जो था, ये पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो ये है, तो ये पूरा ओवरऑल क्या है, तो ये ओवरऑल आपका पॉजिटिव सेंटेंस है किसका, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये पूरा पॉजिटिव सेंटेंस का आपका यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने का पैटर्न था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव पैटर्न जो होता है इसका, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसको जब पैसिव में बनाते हैं तो क्या हो जाता है, पैटर्न ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट होगा, ठीक है, नॉट के बाद क्या होगा, नॉट के बाद बीन का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉट प्लस बीन का यूज हमेशा करना होता है, नॉट के बाद बीन का यूज होता हैज के बाद नॉट, और नॉट के बाद बीन का यूज करेंगे आप, क्योंकि जब भी नॉट लगाएंगे तो बीन क्या होगा, बिन नोट के बाद आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यही पैसिव इसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि सी हैज नॉट डन इट, माने उसने इसे नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या है, इट जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इट आ जाएगा पैसिव में, यहाँ पी होगा, यहाँ पैसिव में क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, तो इट के साथ हैज लगेगा, है ना, यानी हैज और उसके बाद नॉट और उसके बाद बिन, तब भी थी डन है, डन हो जाएगा बाई हर, ठीक है। आगे है राम हैज नॉट रिटर्न लेटर, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है लेटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर, और हैज नॉट बिन, फिर आपका रिटर्न रिटर्न हो जाएगा बाई राम हो जाएगा। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा पैटर्न जो है किस किसका है, तो ये पूरा का पूरा पैसिव का पैटर्न है नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला जो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम देखते हैं, और देखते हैं कि हम कैसे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। तो इसका एक्टिव पैटर्न जो होता है वो क्या होता हैज हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका एक्टिव पैटर्न हो गया, इसको हम बनाना है पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे, तो पैसिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैज या है पहले, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर भी थ्री, तब फिर बाई प्लस एजेंट हो जाता है। इसे तो आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है, जैसा कि पैटर्न ऊपर आप देख लीजिए, इसी पर इसी पे आधारित हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस आता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक्टिव एक सेंटेंस दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, इससे हमें क्या करना है, बनाकर देखना है कि जो ऊपर का रूल है इसकी मदद से हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर है कि हैज राम बीटन हिम, तो ये एक्टिव है सेंटेंस, इसे पैसिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, अब यहाँ पर हिम जो है वो क्या है, हिम सिंगुलर सब्जेक्ट इधर आकर के होगा, ही हो जाएगा, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब लेंगे यानी कि हैज ले लेंगे, तो यहाँ पर हैज आ गया, उसके बाद से ही हो गया ये, फिर आगे क्या लगाएंगे, तो आगे बिन लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद बिन है तो बिन लगा देंगे यहाँ पर, फिर भी थ्री तो भी थ्री, तो यहाँ भी थ्री यही है, बीटन तो बीटन लगा देंगे यहाँ पर, फिर बाई तो बाई हो गया, और एजेंट जो है तो राम को यहाँ लगा करके रख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए डब्ल्यू एच वर्ड्स का भी यहाँ रूल दिया गया है कि हम डब्ल्यू एच वर्ड को कैसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड्स के लिए, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इसको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, जैसे ऊपर हमने बनाया ये जो सेंटेंसेस बनाया है ऊपर, इसी प्रकार से बनेंगे सेंटेंसेस, केवल क्या करना है कि आपको डब्ल्यू एच वर्ड जो है उसको शुरुआत में लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। खैर यहाँ पर रूल भी दिया हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, है ना, प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा कि हाउ, देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर कि हाउ हैव यू डन इट, मैंने आपने इसको कैसे किया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले इसको हम रख देते हैं ऐसे ही, और पहले बना लेते हैं इसको, इसका पूरा बना लेते हैं, फिर उसके बाद से हम इसको हाउ को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि इट लगाना है यहाँ पर हमको सभी ग्रुप में, तो हमने क्या किया, इट के अनुसार हैज को लगा दिया, तो हैज उसके बाद से इट आ गया यहाँ पर, इट का नॉमिनेटिव भी इट ही होता है, मतलब नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस इट ही होता है, तो इट लगा दिया, तो हैज इट, और यहाँ बिन लग गया इसके बाद से, सब्जेक्ट के बाद बिन लग गया, और फिर भी थ्री यहाँ दिया हुआ डन, तो डन हो गया, बाई यहाँ पर क्या,
तो यहाँ पर देखिए बाई बाई के बाद क्या हो जाएगा, बाई के बाद हो जाएगा आपका, बाई के बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाई के बाद ये यू जो है सब्जेक्ट ये आ जाएगा यहाँ पर, द यू हो जाएगा बाई के बाद, तो ये एजेंट के रूप में हो जाएगा। और हाउ को हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ उतार करके रख दिया, इसका कोई रोल नहीं है, इसको केवल ऐसे ही उतार कर रख देना है। जैसे आप बनाते हैं, जैसे आप मतलब कि एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पैसिव में, उसी प्रकार सबको क्या करना है कि ये भी बनाना है डब्ल्यू एच वर्ड वाला भी, और केवल डब्ल्यू एच वर्ड को शुरुआत में सेंटेंस का रख देना है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आज हमने इस पार्ट में यानी सेकेंड पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का देखा वॉइस। अगले पार्ट में इसके आगे हम लोग देखेंगे इस टेंसेस के, और जब टेंसेस का वॉइस पूरा हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग एडवांस वॉइस को देखेंगे। धन्यवाद आपका।